और आप देख सकते हैं उस साइड की जो सीढ़ियाँ है ना पूरा डूब चुकी, पूरा भर जाता है। ये जो आप पोल देख रहे हैं ना, इन पोल में तो कोई सामान नजर नहीं आएगा। वेलकम बैक गाइस, आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। और इस वक्त हम हैं दक्ष मंदिर गंगा जी के किनारे, और आप देख सकते हैं उस साइड की जो सीढ़ियाँ है ना पूरा डूब चुकी। जैसे कि मैंने एक दिन पहले वीडियो बनाई थी और दिखाया था यहाँ का जलस्तर क्या है कि उत्तराखंड येलो अलर्ट पे, उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है तो गंगा जी का जलस्तर बढ़ेगा। तो आज मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ अपडेट के लिए, क्या स्थिति है, गंगा जी का वाटर लेवल कितना बढ़ चुका है। और देखो बेसिकली यार इधर के जो घाट है ना, उस साइड की जो सीढ़ियाँ हैं वो डूबने लगी। उस दिन डूबी नहीं हुई थी, लेकिन जब बहुत ज़्यादा वाटर लेवल बढ़ जाता ना, ये सीढ़ियाँ दोनों तरफ की डूब जाती हैं। खैर मे भी हो सकता है यहाँ का जो जल कंट्रोल किया हुआ हो, तो ऐसे में जो नीलधारा की तरफ जाकर मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस वक्त आ चुके हैं हम गंगा जी नीलधारा के किनारे, और यहीं पर पता चलता है एग्जैक्ट जो गंगा जी का वाटर लेवल बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। मतलब पहाड़ों पर जितनी बारिश होती है उसका इफेक्ट जो गंगा जी नीलधारा जी में दिखा जा सकता है। और फिलहाल देखो मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ। आगे तरफ आप देख रहे हो ना, ये व्यक्ति जो लड़का, ये छोटा सा बच्चा जो ट्यूब के ऊपर बैठा हुआ, और दूसरा देखो दूसरा वाला ये आ रहा ट्यूब के ऊपर। दरअसल ये गंगा जी में गए हुए लकड़ी पकड़ने के लिए। ऐसे में क्या होता है कि जैसे ही पहाड़ों पर बारिश होती है, तेज़ बारिश होती है, तो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ बहकर आ जाती है। तो ऐसे में ये लोग क्या करते हैं, लकड़ियाँ को पकड़ कर निकाल देते हैं और बाद में यूज़ में लेते हैं उसको, चाहे बेच देते हो किसी और चीज़ के लिए या फिर घर में खाना बनाने के लिए यूज़ कर लेते हो। तो ऐसे में लकड़ी पकड़ते हैं वो, और देखो क्या ट्यूब पर लेट के, मतलब पूरा खतरे वाला काम है। वैसे काफ़ी बड़ी बड़ी लकड़ी आराम से उसको साइड में लेकर आ जाते हैं, उसके बाद निकालने के लिए तो खैर 4-5 आदमी लगते हैं उसको, क्योंकि वेट काफ़ी होता है उसमें तो। बट काफ़ी रिस्की काम है, बट एडवेंचर वाला भी है, एडवेंचर से भरा हुआ पूरा। और भाई अभी मैं जैसे कि दिखाने वाला था कि बरसात जैसे हो रही थी पहाड़ों पे 2-3 दिन से, मतलब क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है गंगा जी में, गंगा जी का जलस्तर पे क्या प्रभाव जो हो रहा है अभी। तो फिलहाल गंगा जी नीलधारा किनारे आए हुए हैं हम। तो जैसा कि मैंने बताया था कि भाई गंगा जी का जलस्तर तब बढ़ा हुआ माना जाता है बेसिकली जब पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। उस सिचुएशन में क्या होता है, मैंने कहा था कि ये बीच वाला टापू अगर ये भर गया ना, मतलब पानी से डूब चुका पूरा, तो इसका मतलब है गंगा जी ने जो रुद्र रूप अपना लिया है, और भाई गंगा अपने विकराल रूप पे है जिसे मतलब देख के कोई भी डर जाएगा। तो अभी देखा जाए तो जैसे 3-4 दिन से जो बारिश हो रही है पहाड़ों पे, उसके बाद भी सामान्य स्थिति है, क्योंकि ये वाला पहाड़ डूबा नहीं है। हालांकि देखो ये बरसात के टाइम में ही आता है इधर की तरफ, जो गंगा जी में जल जा रहा है ना, ये भी बरसात के टाइम में ही आता है, और उधर की तरफ किनारे पे जलती ये भी बढ़ा हुआ है, लेकिन उस लेवल में नहीं बढ़ा हुआ जिसे हम विकराल बोलते हैं या फिर रौद्र रूप बोलते हैं गंगा जी का। तो अभी ये सामान्य है, बट लेकिन हाँ जैसे आप पास में आके देखोगे थोड़ा सा ये डरावना जरूर लगेगा, थोड़ा डेंजरस टाइप का लगेगा। ऑलराइट, सो गाइस ऊपर की तरफ बादल देख रहे हो ना, क्या काले काले बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में देखो बारिश होने की भी पूरी संभावना है आने वाले 4-5 दिनों में, या फिर नेक्स्ट वीक तक लगातार यहाँ पर बारिश होगी, तो फिर से यहाँ पर जो जलस्तर बढ़ेगा डेफिनेटली बढ़ेगा। भाई अभी देख लो पूरा काला काला आपको नज़र आ रहा होगा, और ये सामने है मां चंडी देवी का मंदिर, देखो पूरा ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है क्योंकि बादल छाए हुए ऊपर, काले काले बादल मंडरा रहे हैं जो जस्ट अभी बरसेंगे। और इधर की तरफ देखो माँ मनसा देवी का मंदिर, पूरा आसमान जो इस वक्त काला काला हो रखा है बादलों की वजह से। सो संडे का दिन है देखो, आज भी मतलब भीड़ है वैसे लिटिल बिट, जैसे नेचुरली रहती है, मतलब नॉर्मली रहती है जो हरिद्वार में भीड़ देखी जाती है संडे के दिन खासकर। तो ऐसे में गाड़ियाँ तो ज़्यादातर इसमें कुछ लोकली नज़र आ रही मुझे। सो गाइस इस वक्त हम हैं हर की पौड़ी के सामने जो हाईवे पड़ता है, उस हाईवे पे हैं ऋषिकेश देहरादून फोर लेन जो पड़ता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई क्या स्थिति है यहाँ पर गंगा जी का जलस्तर जो किस तरह का है। और भाई यहाँ पर जो तीन गेट यहाँ पर खेले हुए, 3 या 4, वैसे देखो नॉर्मल सी स्थिति है, मतलब इतना वाटर लेवल नॉर्मल रहता है गंगा जी में। बट जैसे बारिश होने वाली है, ऊपर देखते हैं पहाड़ों पर काले काले बादल मंडराए हुए, काले बादल छा रखे हैं, बावजूद उसके अभी जो नॉर्मल स्थिति है वाटर लेवल गंगा जी का इस तरह का है, जल प्रवाह इस तरह का। और देखो मजे की बात ये है कि सावन का मेन मेला जो 26 जुलाई के दिन जल चढ़ना था, वो जल चढ़ चुका है, बावजूद उसके अभी काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो कांवड़िया आ रहे हैं, और सामने हर की पौड़ी का घाट है। तो सामने ही है मेन हर की पौड़ी,
और उधर देख सकते हैं काफ़ी संख्या में इस वक्त जो कांवड़िए भी आए हुए हैं। हालांकि देखो शिवरात्रि का जल था, 26 जुलाई का दिन जल था, बट आज 31 जुलाई है। जब तक सावन का महीना का तब तक जो कांवड़िए आते रहेंगे और जल लेकर जाते रहेंगे। तो फिलहाल चलते हैं आगे की ओर। सो गाइस फिलहाल पहुंच चुके हैं शिव जी की 108 फीट वाली मूर्ति के पास और इधर है गंगा जी। देखो काफ़ी लोग ब्रिज के ऊपर रुककर फोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे हैं क्योंकि काफ़ी पॉपुलर जगह है ये। यहाँ पर शिव जी की मूर्ति है बड़ी सी और इस वजह से काफ़ी लोग यहाँ पर फोटोज़ वगैरह क्लिक कराते रहते हैं। फिलहाल हम जा रहे हैं धर्मगंगा घाट की तरफ जो बेसिकली भारत माता मंदिर की तरफ पड़ता है। तो वहाँ से देखेंगे किस तरह का नज़ारा नज़र आता है गंगा जी में और जो जलस्तर है किस तरह का है। यहाँ से प्रॉपर नज़र आता है तो ऐसे में नीचे की तरफ जाकर देखेंगे हम। जो हम पहुँच चुके हैं गंगा जी किनारे, नीलधारा गंगा जी किनारे, तो यहाँ से जो नज़र आएगा गंगा जी का किनारा और क्या जलस्तर उसमें देखने को मिलता है, मतलब किस तरह वाटर लेवल देखने को मिलता है, बेसिकली यहाँ से जो पूरा व्यू नज़र आता है तो वो काफ़ी सही लगता है। सो गाइस देख रहे हो कितने सुंदर बादल नज़र आ रहे हैं, काले काले बादल, और जो पहाड़ों के ऊपर जो आप देख सकते हो धुंध कितनी नज़र आ रही है। तो वैसे बारिश का पूरा मौसम है और माँ गंगा नील धारा जो देख सकते हैं आप, क्या सुंदर दृश्य नज़र आ रहा है और कितनी धाराएं यहाँ पर बटी हुई है। बेसिकली हम इस वक्त हैं सप्तऋषि घाट की तरफ हैं और गंगा माता या फिर कहें भारत माता मंदिर की साइड पड़ता है, शांतिकुंज की तरफ से धर्मगंगा घाट पड़ता है या फिर गंगा माता हॉस्पिटल जिस साइड पड़ता है भारत माता मंदिर की तरफ से, जो एक साइड से रोड जाती है उस जगह पर हम। और देखो व्यू क्या इतना सुंदर है यहाँ पर है, क्या सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। आसमान में काले काले नीले नीले बादल और जो पूरे जो हरे हो चुके हैं पहाड़ जो अभी काले नज़र आ रहे होंगे पूरी तरह से, क्योंकि भाई साहब जो बारिश इतनी ज़बरदस्त हुई कि यहाँ पर जो पेड़ पौधों का इनका रंग जो पूरी तरह से चेंज हो चुका, डार्क हो चुका, डार्क होने के बाद पूरा जो ग्रीन हो चुका है। सो यहाँ पर गंगा जी की 7 धाराएं देखने को मिलती हैं जो अलग अलग जगह पर बटी हुई हैं। देखो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। 2 धाराएं तो इस तरह से आती हैं और 1 धारा इस साइड से आती है सामने से और 2 धारा इस साइड से आती हैं। बेसिकली अंदर की तरफ से पूरा अगर ड्रोन शॉट लिया है तो काफ़ी अच्छा व्यू आएगा यहाँ का। ये जो जगह है सप्तऋषि घाट या फिर आप गंगा माता मंदिर जो भारत माता मंदिर जो पड़ता है ना उस साइड की तरफ का ये गंगा जी का किनारा, शांतिकुंज की साइड से तो नीलधारा गंगा जी का किनारा है। यहाँ पर जो कई धाराएं बटी हुई हैं, लगभग बोलते 7 धाराएं बटी हुई हैं, तो ऐसे में जो ड्रोन शॉट जो काफ़ी ज़बरदस्त आएगा, लिटरली आँखों से देखने में ज़्यादा सही लगता है अगर आप यहाँ पर आते हैं विजिट करते हैं। ऐसे में गंगा माता भारत माता मंदिर की तरफ आते हैं ना, भारत माता मंदिर की तरफ आते हैं तो नो डाउट आप जो यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। धर्मगंगा घाट पर जा सकते हैं, उधर आगे की तरफ भी पड़ता है वो जो कि भारत माता मंदिर के पास पड़ता है। तो फिलहाल भीमकोटा बैराज की तरफ चलते हैं, वहां पर देखते हैं क्या स्थिति है। सो गाइस आज 31 जुलाई का दिन है, आज भी काफ़ी संख्या में जो कांवड़िए आ रखे हैं, संडे का दिन है सो काफ़ी भीड़ है भाई। मतलब 26 जुलाई के दिन जल चढ़ गया था, वैसे पूरे सावन चढ़ रहा है तो इस वजह से काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है। तो अभी भी काफ़ी संख्या में जो कांवड़िए आए हुए भोले आए हुए जो जल लेकर जाएंगे यहाँ से और भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। पूरे सावन इस तरह का माहौल रहता है कि काफ़ी संख्या में जो कांवड़िए आते रहते हैं पूरे साल भर। तो भाई भीमकोटा बैराज पर आ चुके हैं और भाई मैं दिखाऊंगा यहाँ से गंगा जी का जल स्तर क्या व्यू नज़र आता है। सो गाइस इस वक्त हम हैं भीमकोटा बैराज पर जो कि गंगा जी पे सबसे बड़ा बैराज है, तो यहाँ से हम दिखाएंगे भाई गंगा जी का जल स्तर, गंगा जी पे जल प्रवाह किस तरह देखने को मिलता है। सो गाइस यहाँ पर टोटल जो 20 गेट हैं, 20 गेट हैं यहाँ पर और गंगा जी का प्रवाह आप देख सकते हैं भाई गंगा जी कितना भरकर चल रही हैं। हालांकि जो पूरी तरह से भरकर नहीं चल रही अभी, ये जो बीच में आपको टापू नज़र आ रहे हैं ना छोटे छोटे सारे, ये सारे गायब हो जाते हैं जब माँ गंगा विकराल रूप ले लेती हैं, जब पहाड़ों पर लगातार बारिश होती है जो कि आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी फिलहाल जो अभी आप देख रहे हैं ना इतना जल भी नहीं चलता नॉर्मली पूरे साल भर, बरसात के टाइम में चलता है इतना, लेकिन ये पूरी तरह से भर जाएगा, सारे जो बीच में जो पॉइंट नज़र आ रहे हैं सारे सारे डूब जाएंगे गंगा जी के अंदर समा जाएंगे। सो गाइस ऊपर की तरफ येलो येलो देख रहे हो ना, ये क्रेन है जो इधर से उधर दूसरी साइड को मूव करती है, जैसे कोई प्रॉब्लम आती है किसी गेट में तो वो वहाँ से जो देखा जाता है
कोई मेंटेनेंस वगैरह हो तो। देख सकते हैं कितने प्रवाह के साथ कितना तेज जो गंगा जी से जल निकल रहा है यहाँ पर इस गेट से निकल रहा है। और सामने की तरफ मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा जूम करके, जो कि ऋषिकेश की साइड से आ रहा है भाई। जितने भी आप बीच में छोटे छोटे पॉइंट बने देख रहे हैं ना, जब गंगा जी पूरा भरकर चलेगी ना, ये सारे डूब जाएंगे, कुछ भी नज़र नहीं आएंगे। भीमगोड़ा बैराज से जाते हुए सामने का व्यू कितना अच्छा नज़र आता है। सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं, मां मनसा देवी मंदिर वाला पहाड़ है, हर की पौड़ी के सामने वाला पहाड़ है। और यहाँ से जो नज़र आती है भगवान शिव जी की 160 फुट वाली मूर्ति, देख सकते हैं काफी संख्या में आज भी जो कावड़ी आए हुए हैं। 31 जुलाई का दिन है। मेन हर की पौड़ी की साइड में जो गंगा जल को कंट्रोल किया गया है, ज़्यादा जल आने नहीं दिया जा रहा। 1 से 1.5 फुट के समथिंग जो गंगा जी का जल स्तर होगा यहाँ पर, जो साइडों में जो पेड़ियाँ हैं वहाँ पर ऑलराइट, बाकी बीच में पूरा कम कर दिया है, अभी पूरा साइडों में भी इस वजह से कम हो चुका है। लेकिन दूसरी साइड में जो काफ़ी ज़्यादा जो क्वांटिटी में मतलब जल जा रहा है। और देख सकते हैं गंगा जी का जल स्तर जो हर की पौड़ी घाट पर काफ़ी कम किया हुआ है इस वक्त, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, रेत काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो इस वजह से इधर का वाटर लेवल जो कम कर रखा है। फिलहाल घाट पर देख सकते हैं काफ़ी कम जो वाटर लेवल है, जल स्तर काफ़ी कम है। हालांकि स्नान करने के लिए काफ़ी है, इधर की साइड में काफ़ी है और इधर की तरफ थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है। और फिलहाल की स्थिति देख सकते हैं आप, जो हर की पौड़ी से नज़ारा देख रहे हैं पूरा लाइव आप। सुबह इस वक्त हम हैं धनुष ब्रिज के बिल्कुल पास, और भाई इस साइड में ना जो गंगा जी का बहाव देखने को मिलता है वो अलग ही देखने को मिलता है। हालांकि गंगा जी का जलस्तर कम कर रखा है, हर की पौड़ी मेन घाट की साइड तो तब भी काफ़ी कम लगता है कि गंगा जल काफ़ी कम मात्रा में जा रहा है, बट इधर की साइड जो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जाता है, और इधर का बहाव ना अलग ही लेवल का है, मतलब बहुत तेज गंगा जी साइड में बहती है। तो भाई इस वक्त जो नज़ारा देख रहे हैं, व्यू देख रहे हैं, ये नाई घाट से देख रहे हैं आप। इस वक्त हम हैं चंडीघाट पुल के सामने वाले फ्लाईओवर पे, और सामने है माँ गंगा नीलधारा, और सामने ही है माँ चंडी देवी का मंदिर। सो गाइस अभी आप देखते हैं चंडीघाट वाले पुल पे कितनी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि डाक कावड़े जा रहे हैं। दिन है 31 जुलाई का, सावन का महीना अभी चल रहा है, हालांकि शिवरात्रि जो निकल चुकी है, उसके बावजूद भी काफ़ी संख्या में शिवक कावड़ी यहाँ से जल ले कर जा रहे हैं। और गंगा जी का जलस्तर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी उसमें दिखाया था मैंने गंगा जी का जलस्तर किस तरह का है, और साइड में जो पुल था ना, ये मुझे लग रहा है यार अभी थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि बारिश भी हुई लगातार, उसके बावजूद कम हो चुका, पता नहीं समझ नहीं आ रहा कि जल गया तो गया कहाँ आखिर। हालांकि खैर अभी बारिश होगी वो सितंबर अगस्त के बाद शायद होगी, या फिर सावन के मिड अगस्त में हो जाएगी जहाँ तक है, तो ये पूरा भर जाता है। ये जो आप पोल देख रहे हैं ना, इन पोल में तो कोई सामान नज़र नहीं आएगा, और बीच वाला टापू है ना वो भी नहीं दिखता। सो आप देख सकते हैं अभी फिलहाल कुछ इस तरह की स्थिति है गंगा नदी में, नीलधारा जी में, और बादल अभी छाए हुए हैं, तो आने वाले टाइम में गंगा जी का रोज रोज हमें देखने को ज़रूर मिलेगा।